गाइस कैसे हो, मेरे चैनल में अमित सभी का स्वागत। आज बात करते हैं एप्टिमट सिरप के बारे में जो मैनगेन कंपनी सजेस्ट करती है। क्या इसको कौन कौन यूज कर सकता है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, क्या इसे सच में वजन गेन हो सकता है, क्या इससे मोटा हो सकता है। पिचके हुए हैं जैसे कि मेरे तरह, एग्जाम्पल के लिए इससे फोगाना चाहते हैं तो सब पाप सही पत्ते पे सही वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक वीडियो देखना, वीडियो लंबा होने जाना, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इसके क्या क्या रीजन निकल के आते हैं। एप्टिमट सिर्फ दवा का एक संयोजन है जो किसी व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता कमियों को लगातार बढ़ा सकता है, बढ़ाकर भूख बढ़ाता है, यह खाने की इच्छा को बढ़ावा देता है और इसलिए यहाँ कुपोषण या कुपोषण के प्रसव का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। वह भूख की हानियों को इलाज करने में मदद करता है और पोषण की स्थिति को सुधार करता है। कि ये एप्टिमट सिरप कुपोषण जैसे कि बीमारी हो सकती है, इससे क्या करेगा कि आपकी डाइजेशन को बढ़ा देगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, दिन में आप जितना खाते हो इससे दो गुना या तीन गुना आप ये सिरप पीने के बाद अपनी भूख बढ़ा देगी और इससे क्या होगा कि आपको मोटा भी हो सकते हैं। और ये सही भूख को बढ़ाकर ये पाचन क्रिया को सुधारता है। जो खाते हैं जिसका ये दावा होता है कि भाई मैं खाता हूँ और मुझे वो पच नहीं पाता, वांग भी नहीं लगता, ये पीने सिरप पीने के बाद आपको बहुत सारा क्लेम मिलेगी। तो बात करते हैं इसके भाई में साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैं साइड इफेक्ट दूसरे नंबर पे क्यों लाया, क्योंकि भाई सब यही सबका यही कहना है कि आप इन तक ही कोई साइड इफेक्ट बताते हो। तो बात करते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स का वन है कब्ज। ये पीने से आपको कब्ज हो सकता है। आपको पहले ही कब्ज है तो पहले आप कब्ज के गोले लेके कब्ज़ को हटाइए, फिर ये सिरप बाय कीजिए। मुंह में सूखापन ये इसके दूसरे साइड इफेक्ट है, लेकिन इससे भी बचा जा सकता है, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सुस्ती आना ये भी तीसरा साइड इफेक्ट है। चौथा साइड इफेक्ट है नींद ना आना। क्या इससे नींद आती है? हाँ भाई लोग, इससे नींद आती है। धुंधली नज़र क्यों आती है, पाँचवा रीज़न क्यों है इसका साइड इफेक्ट है कि धुंधली नज़र। इससे क्या होता है कि आपको बहुत नींद आने लगेगी और आपकी नज़र जो है धुंधली हो जाएंगी। तो बात करते हैं एप्टिमट सिरप का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा के खुराक और अनुपालन की स्थिति के लिए आपने डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने से पहले केवल जांच कर लें, इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिए। इस्तेमाल करने के पहले इच्छा तरह से हिलाइए। एप्टिमट सिरप भोजन के साथ ही या बिना भोजन किए इसे ले जा सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसे एक नियम समय पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसका ये कुछ तो समय डिसाइड करें, जैसे कि मुझे शाम में लेना है या रात में लेना है। आप दो टाइम इसे ले सकते हैं और आपको टाइमिंग। एप्टिमट सिरप कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, इसका चौथा सवाल है कि एप्टिमट सिरप तीन दवाइयों में साइप्रोडीन, ट्राइलोइन साइट्रेट और सोप्रिटिल से बनाकर बनाया जाता है। भूख बढ़ाता है साइप्रोटाइन आपके भूख बढ़ाएगा। एक भूख बढ़ाने में बली दावा है, जैसे कि साइप्रोटीन जो सिरप में मिलाया जाता है इसमें। इससे क्या होता है कि हमारे ज़्यादा सबसे ज़्यादा भूख लगती है और खाना भी हजम होता है। इसका पासवर्ड अक्सर पूछे जाने वाले सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल अक्सर क्या अनुकूल सिरप के इस्तेमाल मुंह में सूखा पड़ सकता है। आपको सबसे ज़्यादा वाटर पीना है। इससे क्या होगा कि आपका सूखापन चला जाएगा। ये मैं वीडियो टांत तक इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पहले वीडियो में बता दिया था कि इसका भी सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन इसको धूम्रपान जो लोग करते हैं इसे ना ले, जो स्मोकर है इसे ना ले, गर्भवती महिला इसे ना ले, 21 उम्र तक लेना चाहिए। ये 5 साल से 35 साल उम्र तक आप ले लीजिए, लेकिन मेरा तो सलाह ये होगा कि डायबिटीज़ भी इससे थोड़ा दूर ही रहे।
क्योंकि साइबर रोटी जो है वो थोड़ा फार शुगर से ही मिलता है। तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और इसको बाय कीजिए। मुझे तो ये सिर्फ बहुत ही अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा कि इसमें साइप्रोटीन जो मिलाया जाता है वो भूख को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी सुधारता है। और साइप्रोटीन से मिलकर बनाए हैं, जैसे कि साइप्रोटीन हमारे शरीर में बहुत अच्छा केमिकल की तरह काम करते हैं। दिस इज़ द नेचुरल प्रोडक्ट, से बाय कीजिए। इसका कोई इतना भी खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे कि कि दूसरों का है। ये सिर्फ बहुत ही अच्छा आप बाय कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं ये भी लिखना ना भूले। तो भाई लोग बस इतना ही, वीडियो में बना रहिए, लाइक।